हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल रेड गेमर में फिर से आपका स्वागत है। तो भाई, अपन लास्ट पार्ट में यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब आपको मैं एक बार थोड़ा सा स्टोरी रिमाइंड करा देता हूँ। भाई, अपन यहाँ पर आए थे लेव के लिए, जो कि यारा की मॉम के पास आया था बात करने के लिए। तो हमने देखा कि उसकी मॉम को गलती से चोट लग जाती है और वो मर जाती है। उसके बाद अपन वहाँ से निकलते हैं, वुल्फ हमारे मतलब यारा के कबीले पे अटैक कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पे यारा को गोली लग जाती है और वहाँ पे फिर इसाक आ जाता है, सॉरी ऐज़ैक आ जाता है, और वहाँ पर फिर वो एबी और लेव को साथ में देखकर बोलता है कि तुम उसको प्रोटेक्ट मत करो, छोड़ो, हट जाओ सामने से। उतने में ही यारा ने फिर आइज़ैक पे गोली चला देती है, तो इनको भागने का मौका मिल जाता है। तो भाई, ये घूम फिर के बस्ते बुझाते यहाँ तक आ जाते हैं, और ये आए हैं आप देख सकते हैं एक्वेरियम में ही, जहाँ पर मेल और अभी ओवेंस है। तो चलो देखते हैं भाई उनका क्या हाल चाल है। देखिए, हम आपको याद होगा, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ, हम जो है एली का पार्ट खेलते हुए उस लोकेशन तक पहुँचे थे जिस लोकेशन में आपने देखा था कि हम थिएटर पे थे, और थिएटर पे एबी आ जाती है और वो जेसी को गोली मार देती है, और एली और टॉमी वहाँ टॉमी फ्लोर पे रहता है एबी के पैर के पास में, और एली सामने खड़ी रहती है। तो भाई, अब वो मोमेंट जो है बहुत जल्द आने वाला है आपके सामने फिर से, तो देखिए क्या होता है। फ़िलहाल तो अपन यहाँ पहुँच चुके हैं, तो चलिए देखिए जो स्टोरी एली के समय में चली थी वो अब आपको यहाँ पे क्लियर होगी। आपको याद होगा कि ये डॉग एलिस है जिसको हमने ही मारा था एली के जब मिशन हम खेल रहे थे, तो देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। आपको हर एक चीज़ यहाँ से पता ही है, जिन्होंने भी पूरा पार्ट देखा होगा उनको सबको पता है कि हम यहाँ आ चुके हैं। लेकिन हम आए थे तो उस समय हम जो खेल रहे थे वो एली का करेक्टर था, ये सब हम देखे थे, आपको याद होगा। तो फिलहाल अभी हमको ढूंढना है ओवेंस और मेल को, हम उनको यहीं छोड़ के गए थे। तो चलिए देखिए, आपको पूरा ब्लड ब्लड दिख रहा होगा। चलिए देखिए, आपको ये पिक्चर कुछ याद आ रहा होगा, इसको किसने मारा है वो भी आपको पता होगा। जब हम एली का करेक्टर खेल रहे थे तो इन दोनों को एली ने ही मारा था। चलो भाई, पहले आप कट सीन देख लो। तो ये जो मैप है आपको याद आ रहा होगा, ये मैप था एली के पास जिसको हम फॉलो करते करते एबी के सर्च में आए थे यहाँ तक। देखिए, आपको दिख रहा होगा उसमें बकायदा मेंशन है एबी करके लिखा हुआ था। तो चलो भाई, आपको थिएटर भी याद आ गया होगा। चलिए देखिए, अब जो हमारा जो कट सीन था जहाँ से हम एबी का मिशन चालू किए थे, अब ये पूरी स्टोरी कंप्लीट होने जा रही है उसी जगह पे। आपको याद होगा कि एबी इस थिएटर में आकर टॉमी को नीचे गिराकर जेसी को गोली मारी थी और एली जस्ट सामने थी, ये वही मोमेंट। अब तो इतना जो लंबा जो मिशन खेले हैं वो सिर्फ यही दिखाने के लिए था कि एबी फिर यहाँ कैसे पहुँचती है एली के पास तक, तो यही वही था। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। yes.
चलिए ये डोर लॉक होगा क्योंकि ये डोर को हम ही ने लॉक किया था, आपको याद होगा। एली हर बार अंदर से लॉक करती थी, ये वही थिएटर है। चलिए अब हमको दूसरा रूट ढूंढना है अंदर जाने के लिए। चलो देखते हैं भाई, चलिए यही है। Okay, grab that ladder. Ready? चलो भाई फाइनली हम आ चुके हैं, ये आपको विंडो भी याद होगा। एली और डीना यहीं पे हम इसको चालू किए थे पावर सप्लाई करके, सब चीज़ आपको याद होगा। देखिए ये फ़ोटो वगैरह सब। देखिए ये सब इन्हीं के ग्रुप का फ़ोटो है जो एली ने इकट्ठा किया था। चलो भाई हमको लोकेशन तो अच्छे से पता है, तो हमको यहाँ घूमने का ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि हम यहाँ पर तो जब एली का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तो हम काफ़ी बार आए हैं ऊपर। चलो भाई तो फाइनली अब हमको वो सीन फिर से दिखने वाला है जो हमने काफ़ी समय पार्ट पहले देखा था। चलिए देखिए, Hands up. Back away from your shit. I said back up. चलो भाई आप लोगों को याद आओगे वो सीन देखकर। Let's keep your bow on him. Get on the ground. You gonna kill me like a coward? Shoot this one too. Don't you do it, Ellie. Get out of here. Stand up now. Don't you fucking dare. Shut the fuck up. Fuck. All right. Stop. Stop. Toss your weapon. Toss your weapon. चलो भाई काफी इंटेंस सीन है। I know why you killed Joel. He did what he did to save me. There is no cure because of me. I am the one that you want. Just let him go. You killed my friends. We let you both live. And you wasted it. Wait! Get off of her! चलो भाई फाइनली अब हमको एली के साथ सामना करना है। चलिए निकल गई वो, तो देखते हैं भाई इसका यहाँ पे स्टोरी का क्या सिचुएशन आने वाला है क्योंकि अब दोनों आमने सामने फाइनली आ ही चुके हैं, तो अब देखते हैं भाई कि क्या होने वाला है। Motherfucker!
चलो भाई, उसके हाथ में गन है और हमारे यहाँ कुछ कुछ भी नहीं हमारे पास। तो भाई तो चलिए, इसको हम ऐसे तो नहीं मार सकते सामने से। चलिए, आपको दिख रहा होगा वो कहाँ घूम रही है। देखिए, वो दिख नहीं रही है। चलिए, अब फिर से विजिबल हुई। तो देखिए, हम उसको डायरेक्ट नहीं मार सकते, ये गलती आप ना करें। हम उसको, चलिए वो हमको, हम उसको पीछे से ही ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। चलिए, चलो भाई नीचे गिरे अपन। लेकिन उसके पास शॉटगन आ गया। चलिए पीछे भागा जाए। देखिए, उसको सामने से बिल्कुल वार मत करिएगा, क्योंकि उसको सामने से मारने जाएंगे तो बिल्कुल आपको एक शॉट पे उड़ा देगी। तो हम कोशिश करते हैं उसको, देखिए हमारे सामने ही है वो। चलिए देखते हैं उसको, ये कुछ काम करता है कि नहीं। चलिए, काम किया है। देखो भाई, एबी का बॉडी देखो और एली का बॉडी देखो, किसी भी एंगल से लगता नहीं कि एली इसको मार पाएगी। फिर भी बेचारी बहुत ट्राई कर रही है। चलिए देखिए, फिर वो गायब है। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, वो सामने से उधर से क्रॉस हुई है। अभी आप लोग देख पाए कि नहीं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं खुद बच जाता हूँ। चलिए, आपको दिख गया सामने। देखिए कितने चुपके चल रहे, देखिए वो। देखिए, उसने पेट्रोल पंप फेंका। देखिए, वो आपको दिख गई होगी। देखिए, वहीं पे ही है। देखिए, अभी उसके हाथ में पहले पिस्टल था, फिर शॉटगन था, उसके हाथ में बो है। तो भाई, वो बो कन्फर्म है कि पॉइजन वाला ज़रूर होगा, जिसको आपको पता है कि हमको लग जाने के बाद उसको तुरंत निकालना पड़ता है, वरना टाइम के साथ हमको। देखिए, वो सामने ही आ गई हमारे। देखिए, हमको उसका बो पड़ गया है भाई, जल्दी हट जाते हैं। चलो देखते हैं भाई, अब कोशिश करके। देखिए, उसको क्लियर पढ़ नहीं रहा है। चलिए, फाइनली पढ़ा है। चलिए, चलो भाई, लैब ने उसको रोक दिया। एबी गुड क्यों बोली है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेल भी प्रेग्नेंट थी, तो उसको एली ने मार दिया था।
जो कि उसकी फ्रेंड थी एबी की, लेकिन लैव ने भाई यहाँ पर सब चीज़ रोक दी है। चलिए, इसने एली को भी नहीं मारा, डीना को भी नहीं मारा है, क्योंकि लैव ने उसको, देखिए एली की हालत देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि जिस प्रकार से एबी, उस प्रकार से एली की इतना हिम्मत नहीं कि उसको पूरा मार सके, और काफ़ी ताकतवर है एबी। चलिए देखिए, दोनों को छोड़ तो दिए, बस इसके फ्रेंड जैसी कोई मारी हो, और टॉमी के शायद शोल्डर में गोली लगा था, मे बी वो जिंदा है कि नहीं पता नहीं। चलो देखते हैं भाई ये स्टोरी का एंड है कि क्या है पता नहीं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि काफ़ी पिटाई होगी अली की। चलो भाई, ये तो बहुत ही डिफरेंट लोकेशन और बहुत डिफरेंट ही कुछ लग रहा है। फिर कहीं पास वास्ट तो नहीं दिखा रहा भाई, एक बार देख लेते हैं। ये ज्वेल की घड़ी है, ये पहले भी दिखा चुका है भाई। देखो, ये मेरे ख्याल से ना एबी के जाने के बाद का ना, ये काफ़ी समय बाद, समय बीत जाने के बाद का स्टोरी मेरे को लग रही है। देखिए, डीना का ही बेबी होगा। चलो भाई, फिलहाल देखते हैं स्टोरी क्या है। भाई मतलब मिशन आप देख सकते हो कि कहाँ हम इन्फेक्टेड और सोल्जर को मारते थे, और कहाँ अभी बच्चे संभाल रहे हैं। Hey, you like these guys, huh? You got some crazy hair. बच्चे की हंसी ने हमारे चेहरे पे भी हंसी ला दी। चलिए देखते हैं आगे और क्या होता है। ये बहुत तो अलग सा एक जगह पे घर दिखाया अभी तो। चलिए देखिए, बिल्कुल डिफरेंट इलाका है ये। भाई सीन देखो कितना प्यारा लग रहा है, घर की जिस जगह पे भी है कितना सुंदर लग रहा है। चलो फिलहाल डीना तो अंदर है, एक बार डीना से देखते हैं। और देखो, ये तो अब मेरे ख्याल से जो एबी का और अभी एली का फाइट दिखाया जस्ट, ये अब उससे समझ जाओ कि अब मेरे ख्याल से ये फ्यूचर, मतलब फ्यूचर तो नहीं बोलना चाहिए, काफ़ी समय बीतने के बाद ये प्रेजेंट ही दिखा रहा है उनका। ये मे बी मेरे ख्याल से ड्रीम वगैरह तो नहीं होगा। ये इनको समझ जाइए कि ये इनका प्रेजेंट है अभी। तो प्रेजेंट में भाई यही चीज़ अभी क्लियर हो रहा है कि ये दोनों अलग किसी, बहुत दूर अलग किसी घर पे हैं, और डीना अभी डिश वॉश कर रही है, मतलब बर्तन वर्तन मांज रही है, और एली जो है वो बेबी को संभाल रही है। और अभी शायद मेरे ख्याल से डीना ने इसको कोई गाना लगाने बोला है। अब ये चालू हुआ हमारा गाना, देखते हैं क्या गाना है। चलिए, ये बच्चा पता नहीं क्या क्या सीखेगा, क्योंकि अभी से इन लोग इसको गलत गलत बॉडी पिक्चर बच्चे के सामने बोल रहे हैं। चलिए देखिए, इसको उसे छोड़ दिया था, एबी ने मारा नहीं था, तो इन लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। देखिए छोटे से बच्चे को देखिए, वो भी एंजॉय कर रहे हैं भाई। तो इस स्टोरी का ऐसा एंडिंग, इस गेम का ऐसा एंडिंग थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये इस गेम का एंडिंग नहीं होने वाला इतने ईजली, कुछ ना कुछ तो अभी हमारे लिए बचा ही होगा, क्योंकि एंडिंग इतना सिंपल, इतना ईजी नहीं हो सकता। तो चलिए फिलहाल अभी अपने को यहाँ पे जितना भी टास्क बोल रहा है सारे टास्क करते हैं अपन, देखते हैं क्या टास्क और है। मे बी हो सकता है कि कुछ डिफरेंट ही देखने को मिले। चलिए देखते हैं,
चलिए देखिए ट्रैक्टर के पास तो एक आइकन बना है, कहीं हमको ट्रैक्टर लेके खेत तो नहीं जाना है फसल बोने के लिए। देखिए व्यू इतना सुंदर व्यू है भाई। चलो ये भाई का खिलौना मेरे ख्याल से यहीं पे था। लेके इसको जा तो सकते नहीं वैसे अपन, क्योंकि ये तो पूरा खत्म लग रहा है। देखो भाई सीन देखो आप कितना सुंदर दिख रहा है। मतलब ये समझे कि बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो इनका जो एक बेस था एली लोग का, ये वो तो नहीं लग रहा, ये लोग वहाँ गए नहीं मेरे ख्याल से। मतलब प्रेजेंट में थिएटर का जो स्टोरी ख़त्म होने के बाद ये लोग मूव ऑन करके लगता है अभी को ये लोग भूल गए हैं, और इनका मिशन शायद कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पर आके रह रहे हैं, जो कि सबसे सेपरेटेड है। इनके बेस वगैरह आपको याद होगा, जो एली का बेस था वो बहुत ही अलग जगह में था, बहुत आइसी इलाके में था जहाँ बर्फ़ वगैरह बहुत थी माउंटेन टाइप के, और ये बहुत ही अलग जगह दिख रहा है। तो मतलब डीना और एली जो हैं अपनी एक फैमिली को लेकर, देखिए बहुत ही एक सिंगल ही घर है, देखिए अलग से आपको विजिबल हो रहा होगा एक सिंगल घर, अगल बगल तो अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं है। तो चलिए ये लोग अपना लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं अलग, मे बी हो सकता है कुछ रीज़न हो, आगे पता चलेगा। फिलहाल तो अभी हमको ये जो छोटे मोटे टास्क दे रहा है भाई इसको कर लेते हैं अपन। अब क्यों दे रहा है काहे दे रहा है उसका तो पता नहीं, लेकिन दे तो रहा है। चलो देखते हैं। I'm gonna go do the laundry. चलिए उसने बर्तन करके अब वो बेचारी कपड़े सुखाने जा रही है। Does he need his jacket? No, he's fine. वाह भाई देखो ये तो कपड़े सुखाने का भारतीय स्टाइल है। More? मेरे को लगा था कि ये लोग तो भाई लॉन्ड्री में देते हैं कपड़े जहाँ से सूख के आ जाते होंगे। क्या इनके वॉशिंग मशीन भी इतना हाईफाई रहते हैं? Seriously? चलो यार देखिए आइकन तो फिलहाल अभी यहाँ बना है। All right, here you go. Oh, 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 gentle, gentle, gentle. Just like that. There you go. Yeah. Hey. चलिए देखिए प्यारा सा। Can you get the sheep into the barn? Oh, I got him. I can do it. Yeah? Yeah. Won't you rest it up? Okay. Here. चलो भाई अभी तो देखो गेम कैसे चेंज हो जाता है भाई, कहाँ हम गन और बो एंड एरो ग्रेनेड वगैरह लेकर कभी इन्फेक्टेड को मारते थे, आज हम बच्चे संभाल रहे हैं। Listen up sheep, your dinner awaits you in the barn, so come on. चलो भाई Snowy, barn time. Daisy, head on in. Wow, that's a lot of sheep. How many do you think that is? Let's count. One, two. Better stop, because I'm getting sleepy. भाई एक बार अगल बगल सारे चीज़ें चेक कर लेते हैं अपन, क्योंकि क्या है कि अगर कुछ आइकन वगैरह बन रहा और कुछ हम मिस कर गए तो फिर ये कॉफी होगा। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, सारे जो हमारी भेड़े हैं वो बाहर में घास चर रही है, देखते हैं क्या करना है। Eugene, hey, hey, inside, inside. Todd, move it or lose it.
तो चलो भाई, ऐसा कुछ लग रहा है कि इनको सारा को हमको अंदर लेके जाना है, और मे बी डोर क्लोज करना होगा क्योंकि शाम हो गया है। तो भाई इनको अंदर करना है, चलो समझ तो आ गया। चलिए देखते हैं, चलिए देखिए सब जा रहे हैं अंदर। Okay, one more. What do you get when you cross an angry sheep and a mad cow? An animal that's in a bad mood. देखिए इनका कॉमेडी अपने पास चल रहा है। देखिए मामा लाइक्स दैट वन टू। देखिए लगभग तो अंदर चले गए हैं, यही कुछ बचे हैं छोटे मोटे। चलिए मे भी शायद इसको ये आखिरी होगी, पता नहीं इसको जाने का मन नहीं कर रहा है। चलिए ये भी अंदर। चलिए देखिए, चलिए तो भाई यही काम करना था। फाइनली हमने बंद कर दिया है। Hey, how'd you get out? चलिए देखते हैं क्या है भाई। चलिए छोटू महाराज, Come on, little dude. देखिए भाई ये क्या हो रहा है। देखो भाई मैंने पहले ही कहा था इसका एंडिंग इतना इजी तो नहीं हो सकता। तो देखो भाई, इतना समय बीत जाने के बाद भी जो कटसीन चला उसको देख के ही लग रहा है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी एली को वो मोमेंट अभी भी उसके दिमाग में रह रहा है, क्योंकि उसने एली को जो भी उसने 5 में जोएल को मरते हुए देखा अपने आँख से, वो अभी भी इसके माइंड में कहीं ना कहीं है। तो इससे एक चीज़ का डाउट तो ये हो रहा है कि स्टोरी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है और गेम भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मे भी हो सकता है कि कुछ आखिरी कुछ मिशन बचाओ। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो इसको वो चीज़ें याद आ रही है। मे भी हो सकता है कि ये भूलने का कोशिश करे या भूल नहीं पा रही होगी, लेकिन अभी एक डाउट है कि ये मिशन और ये जो गेम है इतनी ईजिली ख़त्म तो हो नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं भाई ये गेम को कहीं ना तो कहीं लेके जाएगा, या यहीं ख़त्म हो जाए, पता नहीं। चलो देखते हैं भाई फिलहाल तो। चलिए तो भाई ये ऐसा है कि एली ने शिकार किया है, वो शिकार बगल में रखा हुआ है, ये अभी हाथ मुँह धो रही है, ये शिकार उठा के चलना है भाई। शायद हमको आगे रूट भी दिख रहा है। तो मैं भी देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ बता देता हूँ मिशन को आगे स्टार्ट करने से पहले, कि देखिए यहाँ से जो मिशन चालू होने वाला है ये मेरे ख्याल से सिर्फ एंड का ही एक आधा मिशन ही होगा, क्योंकि मिशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। फिलहाल तो हम अपने घर आ गए शिकार करके। देखिए ये चीज़ इसको वो जो मोमेंट है वो अभी भी इसके माइंड पे कहीं ना कहीं है, अब वो कैसे जाएगा क्या होगा वो मे बी आने वाले पार्ट में पता चल जाएगा अपने को। देखिए आपको एक चीज़ कुछ दिख रहा होगा, नोटिस हो रहा होगा, यहाँ पे घोड़ा खड़ा था, अब वो पहले नहीं था, तो कोई ना कोई तो आया हुआ है
घर पे चलिए देखते हैं कौन है। Hey, where you been? Hunting. Took a little longer than I thought. Who's here? Just come inside. देखिए कोई तो है। चलिए तो आपको समझ में आ गई ये कौन है। जी हाँ ये टॉमी है। तो आपको याद होगा कि एबी ने इसके शोल्डर में ही गोली मारा था इसको, इसलिए ये बच गया। और इसके पैर में लेव ने एरो मारा था। Good to see you. You too. तो चलो देखते हैं पहले ये लोग क्या बात करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। पहले इनकी बात सुनते हैं। चलिए देखिए मैं जो आपको बात बोला था वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ पर कि एली ने जस्ट अभी कहा कि टाउन कैसा है करके, तो इनका अलग एक था बेस, मैं आपको बताया था जहाँ पर एली ने जस्ट पूछा अभी टाउन कैसा है और इसकी वाइफ मरिया कैसी है, तो इसने बोला सब गुड ठीक है। तो ये लोग समझ जाओ भाई कि ये लोग अपना लाइफ अलग स्पेंड कर रहे हैं एली और डीना, डीना के बच्चे के साथ में। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। So I've been putting out feelers for months now. And this new guy heard my story. He told me about a woman that he traded with while he was moving through California. Described her as built like an ox, traveling with a kid with scars across his face. He said they're living along this coast in a beach sailboat. Right here. That's gotta be her. We're done with that, so. I'm sorry. Well, I can't go. I know. All right. Reckon it's easy. Forget about her. You sitting all comfy way out here? Hey. I'll make her pay. Tommy. That's what you said when we got back to Jackson. Tommy. What a joke. Can you take him, please? Yeah. Here. I got you. Hey. What the fuck was that? God damn it, Tommy, you know what we've been through. I'll save you. She made me a promise. I don't fucking care. I know you don't, dear. That's your goddamn problem. Listen to me. Go ahead and go off fucking ears. You don't come back here. तो चलो भाई यहाँ पे वो कटसीन खत्म हुआ। तो बात वहाँ पर ये हुआ है, टॉमी ने एली को ये बताया कि उसके किसी ने, समझ जाओ कि जो भी वो बंदा को उसके सोर्स के हिसाब से पता चला है, टॉमी के सोर्स के तरफ से, कि जो एबी है वो लेव के साथ देखी गई है। और वो किस जगह देखी गई है वो उसको मैप में पॉइंट आउट करके बताया है। तो देखिए उसने ये बोला कि वो तो जा नहीं सकता क्योंकि वो देखा है आपने उसके पैर में चोट लगा है। तो उसने ये बताया है कि वो वहाँ पर है और एली को वहाँ जाना चाहिए क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था, क्योंकि जिस प्रकार से उसने जोएल को मारा था तो उससे उसको बदला लेना चाहिए, लेकिन डीना ने मना कर दिया। और टॉमी बोल रहा है कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, अब मैं जाऊँगा और उसने जो भी किया है उसको पे करना होगा। तो अभी उसके बाद की स्टोरी चल रही है। चलो देखते हैं भाई कि एली जाती है कि नहीं जाती है। खैर उसने कुछ बोला तो नहीं है हाँ या ना, लेकिन डीना मना कर रही है कि तुम मत जाओ करके।
तो देखते हैं भाई क्या होता है। चलिए फिलहाल तो ये बीच रात में उठकर पहले तो हमने एक विंडो को क्लोज़ किया, जैसे हवा आ रहा था, यही रूम से हमने उठा था, तो चलो नीचे चला जाए। देखो भाई, इस स्टोरी इतना आसानी से तो ख़त्म होगा नहीं। सिंपल सी बात है, जो मेरे को लगता है कि एली जाएगी ज़रूर, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था टॉमी को, और जो एली है उसको बार बार वो जो मोमेंट है वो बार बार याद आता है, जहाँ पर टॉमी को एबी ने मारा था, वो मोमेंट बार बार याद आता है जहाँ पर एबी ने टॉमी को मारा था। तो मे भी मेरे ख्याल से एली को जाना ज़रूर चाहिए, और एबी ने एली को भी काफ़ी मारा था, तो मे भी ये स्टोरी आगे जाने वाला है। और ये फाइनली एबी के पास पहुंचने के बाद ज़रूर ख़त्म होगा। तो चलो भाई पहले देखते हैं। तो भाई ये लंबा तो नहीं था सॉन्ग, तो चलिए फिर से हम मेरे ख्याल से मे बी अपने पास्ट में ही आए वापस। चलिए देखते हैं। जी हाँ, लग तो रहा है कि हम पास्ट में ही हैं। चलो भाई ये तो कंफर्म हो गया कि हम पास्ट में, क्योंकि जेसी दिख रहे हैं और प्रेजेंट में तो जेसी भाई रहे नहीं, तो ये पास्ट ही है। तो चलिए मेरे ख्याल से यहाँ पास्ट में कुछ चीज़ें बताया तो बताएं, जिससे मेरे ख्याल से एली को एक फीलिंग हो, एक कंकरेजमेंट मिले कि वो एबी से जाके फिर से अपना बदला ले। तो चलो देखते हैं क्या बताते हैं, क्या होता है। She's putting on quite the show. I give you guys 2 weeks until you're back together. Not gonna happen. She say something to you? Make it 1 week. Ellie! Hey! What took you so long? Well, I'm here, aren't I? Dina? Jesse. Hey, don't forget, we're heading out early, so get some rest. Yes, sir. You're such a dick. Come on. Don't you start with me. Okay, I have a very serious question for you. How bad do I smell? Like a hot pile of garbage? Oh. Okay. Oh. How about that? Gross. You love it. Every guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. Or not. Maybe they're jealous of you. I'm just a girl, not a threat. तो चलो भाई यहाँ पर हमारा कुछ ही बोलना गलत होगा, तो हम
यहाँ कुछ नहीं बोलते. Hey, it's a family event. Sorry. Remember next time there's kids around. Yeah, like you're setting such a great example. Oh, just what this town needs. Another loudmouth dyke. The fuck did you just say? Ellie, hey. Ellie, don't. Get the hell out of here. Get your hands off me. Hey! Enough. Come on, you. Let's go for a walk. What about them? You worry about yourself. Let's get you some fresh air. You all right, kiddo? What is wrong with you? He had no right. And you do? I don't need your fucking help, Joel. तो चलो भाई, ये तो जोएल को ही भरी सभा में सुना दी. तो देखो भाई, पास्ट में ये सब चीजें हुई थी. अब पता नहीं स्टोरी हमको कहाँ लेके जाए, क्या दिखाए. चलो तो ये है, चलिए तो फिर हम प्रेजेंट में वापस आ गए. और जहाँ पर, चलिए, मैंने जैसे आपको कहा था कि कहीं ना कहीं टॉमी की बातें एली को अफेक्ट कर गई और फिर से अपनी बैकपैक तैयार कर ली है. चलो देखते हैं कि डीना क्या बोलती है. He's fine. चलो भाई, पहले इनकी बात सुन लेते फिर अपन बात करते हैं. Talk about it in the morning, okay? I have to finish it. You don't owe Tommy anything. I don't sleep. I don't eat. I'm not like you, Dina. You think this is easy? For you and for him, I deal with it. I love you. Prove it. Stay. I can't. So what? I'm just supposed to sit here and wait for you? For God knows how long, just thinking you're fucking dead the entire time? I don't plan on dying. Yeah, well, neither did Jesse. Or Joel. Hey, stop. Hey. Come on. We've got a family. She doesn't get to be more important than that. No. Do this again. That's up to you. तो भाई देखिए, बात यहाँ पर ये हुई है कि फाइनली एली ने ये सब चीज फुल एंड फाइनल और एक आखिरी बार ख़त्म करने का प्लान किया है, जिसे डीना ने काफ़ी रोका लेकिन एली ने रोका नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि वो जो मोमेंट है उसको बार बार याद आता रहेगा. तो वो एक आखिरी फाइनल बार ख़त्म करना चाहती है सब चीज़ को. तो वो निकल गई अब एबी और लेफ के सर्च में. तो चलो देखते हैं ये कौन है. तो चलिए, फाइनली ये एबी और लेफ है. तो चलो भाई, आपको देख के थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि लैब के सर पे बाल आ गया है. तो आप समझ जाओ कि जो मोमेंट हमारा चला पीछे, एली और एबी का लड़ाई, उसके बाद काफ़ी आगे लाइफ निकल गई है. तो चलिए, हम वहीं पे ही हैं अभी.
तो देखते हैं कि ये लोग क्या ढूंढने आए यहाँ पर, चला जाए। 24, 10. It's not gonna be on that side. It's all evens. चलिए ये लोग जो ढूंढ रहे हैं वो 24, 25 है। 24, 09. देखो 09 आ गया। So 24, 25 should be that way. चलिए yeah. तो ये 24, 25 जो ढूंढ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से घर का नंबर है कि क्या है पता नहीं, तो खैर हमको पता चल जाएगा क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा ढूंढने का। चलिए देखते हैं। तो भाई देखिए हमको एक इन्फेक्टेड दिख रहा है सामने, चलिए देखिए दूसरा भी आ गया और फाइनली उन सब लोगों ने हमको देख लिया है। तो चलिए वो लैब को घेर चुके हैं। चलिए पहला गया, दूसरा भी गया, चलिए तीसरा ये है। चलिए तीसरा भी गया। तो भाई तीन थे यहाँ पर, तीन हो गए। चलिए इसने तो कुछ दिया नहीं, देखते हैं बाकी दो सामने ने क्या ड्रॉप किया है। चलिए मटेरियल है, क्राफ्ट मटेरियल, और दूसरा जो है वो फूल है। चलिए देखते हैं, चलिए देखिए कुछ लोगो बनाया है। देखिए ये हम जितना भी खेले हैं अभी तक ये उसमें से डिफरेंट है। चलिए देखिए ये कोई नया ही लोगो बना था, तो मे भी हो सकता है यहाँ कोई दूसरा ग्रुप हो। चलिए देखिए आपको कुछ आवाज़ आया होगा, देखिए आपको दिख गया होगा यहाँ पर एक जो ब्लाइंड वाली इन्फेक्टेड है जो चिल्लाकर हमारे होने का पता लगाती है, दिख गई होगी आपको। तो चलिए पहला शॉट उसको पड़ चुका है। तो भाई चलो दो शॉट में वो ख़त्म है। अब उस दो शॉट में ख़त्म होने का उसका रीज़न ये है कि हम जो पकड़े वो रिवॉल्वर है, पिस्टल नहीं, इसलिए दो बुलेट उसके लिए इनफ था। चलिए मतलब यहाँ पर अभी भी इन्फेक्टेड हैं, ये हमारे लिए एक समझ जाइए कि एक वार्निंग थी कि भाई इतना इजी अभी भी हमारे लिए नहीं होने वाला है। और ये चीज़ तो और क्लियर हो गई कि ये गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक फाइनल बैटल बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि हमको कहाँ लेके जाता है ये गेम और फाइनल बैटल में क्या होता है। We had all sorts of outposts, big and small. Best way to hide from the army. What if we don't find them here? Assuming all the leads dry up, what would you like to do? I don't know. Leave this place? Okay. And where would we go? West. See what's out there. It's nothing but ocean. And past it? Other countries, I guess. You want to do that? Why not? Good question. तो चलिए भाई फिलहाल अपने को सारा जो घर है उसको सर्च मारना पड़ेगा। That's not it. That's 24, 26. Good eyes. Let's see. चलिए भाई यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है।
This place looks abandoned. Like all the other houses. Keep searching. चलिए फिलहाल तो ये हमारा अभी गेम स्टार्ट ही हुआ है, तो ऐसे कुछ तो हमारे पास मटेरियल है नहीं जिससे हम क्राफ्ट कर सके, तो वो भी फुल बता रहा है। मे बी आगे जाके कुछ और मिले। देखिए कुछ ऐसा तो है नहीं यहाँ पर स्पेशल। अब पता नहीं भाई हमको ढूंढना क्या है, ये लोग ढूंढ के आ रहे हैं। अभी तक में तो यही पता है कि 24-25 जो लोकेशन था वो तो यही है। You painted the indoors to look like the outdoors, but plants don't look like that. चलिए भाई कुछ कह रहा है फुंत्रू। It's more like a child's dream version of the outdoors. In the old world, चलिए वो घर के पेंटिंग के बारे में बोल रहा, अंदर जो वॉल पेंटिंग हुआ है वो। My dad painted a colorful jungle for me. Oh. Kara would have loved that. I bet she would have. चलो भाई यहाँ से जाने का रास्ता दिखा हमको। Nada. Is it really nothing? It can't be. चलिए रिवॉल्वर का एक एमओ मिला भाई। चलिए देखिए अब तक इस घर में हमको एक इन्फेक्टेड ही मिला है और अभी तक तो कुछ मिला नहीं है खास। चलिए ये डोर पहले नहीं खुल रहा था आपको याद होगा, पर अब खुल गया। देखिए अपन यहाँ आ चुके हैं आपको याद होगा। देखिए ये डोर पे डोर रहता है। चलिए देखिए no, चलिए देखिए लैब ने कुछ बोला है। Scratches. Scooch. चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। लैब को यहाँ पर एक स्क्रैचेस के निशान मिले हैं, तो चलिए यहाँ पे देखो भाई सीक्रेट डोर था जो कि नीचे की तरफ जाता है इसका रास्ता। तो भाई हम बिल्कुल सही लोकेशन पे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल अंधेरा लग रहा, कोई इन्फेक्टेड ना हो। Unfortunately, I have to agree with you. चलिए फिर से रिवॉल्वर का एमओ, यहाँ तो क्लोज है। Pretty nice barracks, all things considered. चलो भाई देखो ये कुछ तो वहाँ पर रखा हुआ है, तो हम चलिए यहाँ पे भी रखा हुआ था। They had power down here. Look around. Guess they've got solar. Oh. Is this frequency currently in use? This is... Do you see a call sign anywhere? Oh, what? It's a short list of numbers and letters.
This is Abby from Santa Barbara. Can anyone hear me? Standing by. फिर देखिए ये सिग्नल को सिग्नल के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए इनको कुछ मिला है. देखिए अच्छा तो भाई ये फ्रीक्वेंसी अब ये सेट करके फ्रीक्वेंसी पे ही बात करने की कोशिश करेगी कि कोई सिग्नल चल रहा है कि नहीं. देखते हैं क्या होता है. Are these other Firefly outposts? I don't know. Can anyone hear me? Hello? Is this frequency currently in use? This is Abby from Santa Barbara. Hello? Hello? चलिए देखिए काफ़ी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट तो हुआ नहीं. तो देखते हैं क्या होता है. Is this frequency currently in use? Hello, this is Abby from Santa Barbara. Can anyone hear me? If anyone can hear me, please reply. Please answer. चलो भाई फाइनली इनको फ्रीक्वेंसी मिल गया है. देखते हैं क्या बात होती है. 24 25 कांस्टेंट्स वी गॉट अ टिप अबाउट अ बेस बट देयर इज नो वन हियर. वी आर लुकिंग फॉर फायरफ्लाइज. आई एम अ फायरफ्लाई. वेयर आर यू स्टेशनड? आई वाज पार्ट ऑफ द साल्ट लेक आउटपोस्ट. हु रन दैट फैसिलिटी? Dr. Jerry Anderson. He was my dad. Well, how about that? We pulled everyone back from the satellite stations and brought them back here to home base. How many of you are there? We're about 200 strong now, with a few more every month. Oh, that's right. You're about to get two more. How do we find you? Get to Catalina Island. Approach the large domed building in Avalon. We'll find you. Okay. Okay, we'll see you soon. Over and out. Looking forward to it. Good luck, Abby from Santa Barbara. Over and out. तो चलो भाई बात इनके बीच में ये हुआ है कि उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी में जिस बंदे ने बात किया उसने ये बोला है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बताइए इनको. बहुत सी बड़ी सी बिल्डिंग तो आप वहाँ तक पहुँच जाओ हम वहाँ से आपको ले लेंगे. तो यार वो क्या बिल्डिंग है उसका लोकेशन क्या है कैसे है अब वो पता चल जाएगा यहाँ पर. अब वो हमको कहाँ बुला रहे हैं और उसके बाद हमको कहाँ लेकर जाएंगे लेके जाएंगे कि लेके जाएंगे चलिए देखते हैं. फ़िलहाल तो अभी यही बात हुआ है. चलिए चलो भाई तो देखो ये कौन है हमको नहीं पता. ये बिल्कुल नए लोग हैं. ओ चलिए देखिए उस बंदे ने एक पंच मारा है. चलिए देखिए देखिए ये इनका बॉस है मेरे ख्याल से. Come here, let me see. Wait, what are you doing? Wait. Fuck, man. You're fine. चलो भाई मस्त तरीका था इलाज करने का. देखिए लेफ्ट तो बेचारा अनकॉन्शियस हो के गिर चुके हैं बेहोश हो के. उस Don't you fucking touch him. भाई वो मोटे ने एक पंच मारा है और उसका दीवार जो उसका सर था वो डायरेक्ट उस शटर पे लगा है. Shit. चलो भाई तो देखो एबी और लेफ को तो वो ग्रुप पकड़ लिया है. तो अब यहाँ से ये रही एली. तो
एली को इन्फॉर्मेशन टॉमी ने दिया था कि वो यहीं पर होगी, पर देखते हैं यहाँ पर वो तो है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको दिखा होगा कि एबी ने मूव कर लिया था 24-25। चलिए देखिए एली भी उसको ढूंढ रही है। देखिए तो यही था 2425 कॉन्स्टेंस। तो भाई ये वही इलाका है जहाँ पर अभी दो बंदे और एक बंदी ने उन दोनों को बंधक बना लिया है, तो मे बी एली का सामना उन्हीं से ना हो। चलिए देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो चलिए तो मेरे ख्याल से एली ऑलरेडी यहीं पे ही थी, अब वो कैसे आई है इस बोट्स के थ्रू पता नहीं। चलो भाई हमारे पास वेपन वगैरह तो ठीक ही ठाक है अभी फ़िलहाल, चलते हैं ऊपर। मे भी ऊपर ही जाना होगा हमको। चलो भाई बचे हम गिरते गिरते। देखिए यहाँ पर जो ये रूट है वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है हमको, उतना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है भाई यहाँ पर, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्योंकि हर जगह रास्ते बने हुए हैं। देखिए ये बंदा अंदर दफन हो चुका है लेकिन इसके वेपन बाहर ही थे। देखिए कहाँ पर जाना है उतना क्लियर नहीं है क्योंकि एरिया थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को, तो कोशिश करते हैं ढूंढने की। चलिए देखिए हम यहीं पे ही आए थे फिर हम गिर के ही आ गए, तो मे बी हम गलत जगह ना आ गए हों। देखिए हम यहीं से ही आए तो यही ही होना चाहिए रास्ता। चलिए तो इधर साइड है रास्ता। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो कैसे हम दो मिनट ले वहीं पे ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। चलिए देखते हैं यहाँ से तो नहीं चढ़ पाएंगे। Here we go. चलिए फाइनली हमको ऊपर जाने का रूट तो मिल ही चुका है। चलिए तो मेरे ख्याल से भाई हम जा रहे हैं वहीं पे ही मेन स्ट्रीट में जहाँ पर एबी और लैब घूम रहे थे, तो ये हम समझ जाइए कि उस समंदर के किनारे थे, उस स्ट्रीट के लगभग पास में ही है। मे बी इसको क्रॉस करती वो स्ट्रीट आ जाए। फिलहाल ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। चलिए देखिए अभी भी हम सेंटा बारबरा नहीं पहुँचे जहाँ पर एबी और लेव को उस ग्रुप ने उठाया है। तो देखिए आपको भाई वो बंदा दिख गया होगा गाड़ी के पास में, तो समझ आई कि अब हमारा फिर से सामना हो गया इन्फेक्टेड से।
चलो भाई, यहाँ पर हमको काफ़ी लोग मिलने वाले हैं, ये तो श्योर है, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है। पहला तो सामने है। तो भाई इस पार्ट का, एली का जो पहला शिकार होने वाला है वो ये है। चलिए ये तो निपटा। देखिए अभी भी काफ़ी कुछ आवाज़ें आ रही है, तो भाई हमको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा, गलती नहीं कर सकते हम। चलिए यहाँ पर तो कोई नहीं है, देखते हैं कुछ तो मिल रहा है यहाँ पर, क्या है देखते हैं। चलिए वेपन अपग्रेड का मटेरियल। चलो भाई यहाँ से काफ़ी कुछ मिल गया हमको, एक मिले वेपन भी मिल गया। देखिए काफ़ी लोग का आवाज़ आ रहा है। देखिए वो एक आपको दिख गया होगा घूमता हुआ। चलिए देखिए, बहुत ही हमको शांत होकर जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा वो भाई साहब। चलो भाई, तो हमको देख लिया गया है फाइनली, तो हमारे पीछे कोई दौड़ के आ रहा है बहुत जल्दी से। देखिए ये तो हमसे भी तेज़ दौड़ रहा था। देखिए वो ऊपर चढ़ गया। चलिए फाइनली गया भाई, ये हमसे भी तेज़ दौड़ कर आ गया था, पता नहीं ये एथलीट है लगता है। चलिए देखते हैं, वहाँ पे और भी होने चाहिए। देखिए आवाज़ आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। और ये जो आवाज़ मेरे ख्याल से ये वो उस इन्फेक्टेड की है, जिसका जो ब्लाइंड है, जो थोड़ी ख़तरनाक है। तो उम्मीद करते हैं कि वो हमको ब्लाइंड ना कर दे। वो देखिए आपको दिख गया होगा, वो देखिए। चलिए देखिए, हमारे लेफ्ट में भी कोई है लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहा है। चलिए मैं इसी की बात कर रहा था, ये विजिबल नहीं हो रहा था। चलिए भाई फाइनली हमको वो ब्लाइंड ने देख लिया है। वो देखिए वो वहाँ पर रुक गई है, तो उसको जाने से पहले बुला लिया जाए। देखिए वो जा रही थी, तो उसको हमने इधर आवाज़ करके बुलाया है। तो देखिए ये है वो। चलिए फाइनली इस एक के पीछे हमारा बुलेट काफ़ी यूज़ हो गया।
हर बार देखिए गलती हो जाती है कि मैं गलती कर देता हूँ कि मैं साइलेंसर रिमूव नहीं कर पाता हूँ जल्दबाजी में, तो आप लोग रिमूव कर ले साइलेंसर को। देखिए आपको आवाज़ आए भाई, अभी भी बंदे यहाँ पर हैं। अब वो किधर है वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो छुप के मारने वाले इन्फेक्टेड हैं। देखिए आपको हल्का सा दिखा होगा भागते हुए वो, चलिए देखते हैं वो फिर से दिखता है क्या। चलिए वो अभी तो विजिबल नहीं हो रहा है। देखिए ये इन्फेक्टेड जो है जो छुप के इधर उधर घूमते रहते हैं वो थोड़े खतरनाक रहते हैं। देखिए लेफ्ट साइड से आवाज़ तो आ रहा है लेकिन कहाँ है वो दिख नहीं रहा। देखिए वो दिख बिल्कुल भी नहीं रहा है, कैसे जगह छुपा है वो। देखिए आपको इसमें भी नहीं दिख रहा है तो भाई थोड़ा सा खतरा हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए हमारे पास कोई चारा नहीं है हमको। ये देखिए वो ये बैठा है, तो चलिए भाई ये फाइनली गया, अब उम्मीद है कि कोई ना हो। Back to it. चलिए देखते हैं, देखिए रूट हमारे यहाँ से बना है जहाँ अंदर जाने का। तो चलो भाई आपको दिख गया होगा वो ऊपर में ही है। चलिए उसको हेडशॉट पड़ा है लेकिन वो गिरी नहीं है। देखिए भाई वो नीचे ही, हम ऊपर आए तो वो नीचे चली गई। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं जल्दी से निपटाने के लिए। चलिए भाई फाइनली, देखिए भाई ये नीचे, तो ये कुछ अलग ही सिचुएशन हुआ हमारे साथ। इन्फेक्टेड की डेड बॉडी फिसल के नीचे। चलिए तो देखिए अभी ऊपर में अगर हमको एक मिल सकती है तो मे भी अंदर में भी और हो सकते हैं क्योंकि हमको अंदर ही जाना है। Hope I can cut through here. चलिए हमको मेन स्ट्रीट में जाने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ा आप देख ही सकते हैं। तो ऊपर से तो हम आए हैं तो ऊपर से तो जाएंगे नहीं मे भी। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। चलिए देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ रखा हुआ है, हालांकि रूट नीचे ही होगा हमारा, ऊपर से तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर से तो हमने एंट्री खुद मारा है।
चलिए देखिए नीचे ही है रूट और देखिए भाई आप क्लियर दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या है और ये तो पूरा इन्फेक्टेड का देखिए ये आपको पता होगा वो कौन सा है वो एक्सप्लोजिव वाला है जो एक्सप्लोड हो जाता है अपना खुद को एक्सप्लोड कर लेता है और प्लस अपने बॉडी से निकाल निकाल के एक प्रकार का एसिड फेंकता है एसिड बोले पॉइजन बोले या कुछ भी बोले यार लेकिन काफ़ी डैमेज करता है वो तो चलिए इसका होना यहाँ पर मतलब ये है कि ये अकेला तो होगा नहीं एक आध प्यादे इसके ज़रूर होंगे कोशिश करते हैं मारने की चलिए दूसरा भी पड़ा उसको तीसरा भी पड़ा उसको तो देखिए एक तो एक्सप्लोड हो गया और हमारे सामने ही एक्सप्लोड हुआ दो थे यहाँ पर तो भाई मौत तो तय है यहाँ से भागे कैसे चलिए देखिए ये तो सोने पर तो आगा हो गया दोनों यहीं आ गए देखिए दो है यहाँ पर देखिए हमारा हेल्थ भी बहुत कम है और वो लास्ट हुए पड़ा है हमारी स्थिति ठीक नहीं है बिल्कुल भी तो देखिए वो बार बार एक्सप्लोड हो रहा है हमारे तरफ तो चलिए भाई पता नहीं कितने लोग हैं यहाँ पर तो एक मौका मिला निकलने का यहाँ से चलिए बुरा फंसे हैं हम कोशिश करते हैं हेल्थ रिफिल करने की चलिए हेल्थ रिफिल हो गया तो कोशिश करते हैं कि इनको निपटाने की अब चलिए फिलहाल तो देखिए वो है भाईजान देखिए काफ़ी जल्दी बाहर आ गया देखिए ये यही है ये छुपने वाले मैं आपको जैसे बताया था देखिए ये इधर छुप के बैठी थी ये भाई है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है देखिए हमको लाइफ नहीं भरने दी और आ गई हमारे पास देखिए अब हमारा हेल्थ काफ़ी कम है ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है देखिए वो अभी भी हमारे तरफ एक्सप्लोड हो रहा है बार बार तो हेल्थ रिफिल करना ज़रूरी है तो भाई ये गया फाइनली देखिए यही चीज होता है कि कई कई बार आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ हमने गलती क्या किया एक गलती जो मेरे से हो गई मैंने स्मोक बॉम्ब फेंक दिया था मुझे लगा कि वो एक्सप्लोजिव है और मेरे को लगा कि वो ग्रेनेड होगा करके एक्सप्लोड होगा करके लेकिन वो भाई सिर्फ एक स्मोक पैदा करता है जो कि थोड़ा देर के लिए स्टन करता है एनिमी को और वहाँ से मेरे से गलती हो गई मेरे को वो नहीं करना था मेरे को ट्रैप माइंड लगाना चाहिए था उसके बाद उसको एक्सप्लोजिव को फेंकना था स्मोक बम को तो जैसे ट्रैप माइंड में उनका पैर पड़ने के बाद वो खुद ब खुद ब्लास्ट हो जाते हैं तो चलो भाई इतना जद्दोजहद के बाद चलिए देखिए हमारा अपग्रेड हो रहा है सिर्फ शॉटगन और शॉटगन में भी हो रहा है स्टेबिलिटी तो क्या करें हम एक काम करते हैं इसको करते हैं कैंसल और अपने मटेरियल को बजाते हैं अगले बार के लिए उम्मीद है कि इतना मटेरियल हो जाएगा कि हम अपने शॉटगन को कुछ अच्छा अपग्रेड कर पाएँ
देखिए कुछ मटेरियल वहाँ पे मिला था तो मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लिया जाए। देखिए फिर भी अपग्रेड नहीं आ रहा है। असल में मेरे को कैपेसिटी बढ़ानी थी मैगज़ीन की लेकिन वो बढ़ नहीं रही है। देखिए मैं सारी चीज़ें चेक कर ले रहा हूँ अगर कहीं पे कुछ मेरे को, देखिए मेरे को जो मैगज़ीन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए लगता है, कई बार क्या होता है कि दो चार गोली के बाद हमारी जो गन होती है उसको रीलोड करने में काफ़ी टाइम जाता है, तो उस चीज़ के लिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि पहले मैगज़ीन बढ़ाओ फिर डैमेज बढ़ाओ। देखिए आप रीलोड भी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको रीलोड पे टाइम लगता है, लेकिन बस वही है कि रीलोड आपकी जितनी कैपेसिटी होगी मैगज़ीन की आप उतना ही रीलोड कर पाएंगे, लेकिन अगर मैगज़ीन की कैपेसिटी आप बढ़ा लेते हैं तो इतना तो एटलीस्ट होगा कि आप एनिमी को इजीली किल कर पाएँ पहले फिर आप रीलोड कर लें। तो चलिए देखते हैं, फ़िलहाल ये एरिया क्लियर है तो अब इससे बाहर कहाँ निकलना है चलिए देखते हैं। हम तो यहाँ से आए थे भाई और देखिए सारी चीज़ें तो घुमा फिरा के हमको इसी रूम में ला रही है, तो मे भी हो सकता है कि चलिए देखते हैं मे भी हम यहाँ पर शायद नहीं गए हैं तो कुछ होना चाहिए यहाँ पर। चलिए कुछ कुछ चीज़ें तो हैं, चलिए शॉटगन का एक एमओ बहुत अच्छी बात है। तो देखिए थोड़ा रुक के आप एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा टाइम लेके तो ज़्यादा बेटर रहता है। भाई हमने एक्सप्लोर कर लिया है, मे बी देखते हैं रूट कहाँ से। चलिए तो रूट आपको दिख गया। तो भाई बात यहाँ पर ऐसी आती है कि जब ये लोग बंदे हमारे पर हमला किए तो हम इस एरिया में आए थे, हम यहाँ से निकल भी सकते थे उस समय, एस्केप कर सकते थे तो हम बच जाते, इतना हमको जद्दोजहद नहीं करना पड़ता। तो चलिए फ़िलहाल हम बाहर तो आ ही गए। Santa Barbara's downhill. 24, 25, Constance. चलिए ये वही लोकेशन में जा रही है जहाँ पर एबी और लेव को पकड़ा गया है। देखिए मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि आप ट्रक के पीछे कंटेनर के बाद चेक कर लें कोई भी व्हीकल खड़े रहता है तो, जैसे कि हमें काफ़ी कुछ मिल गया अभी वहाँ से। चलो भाई तो देखें नीचे क्या है, नीचे ही हमको जाना है और इधर से तो जा नहीं सकते, मर जाएंगे। चलिए देखते हैं कहाँ से जाना है, कहीं ना कहीं से तो रूट बंद हो गई। तो भाई देख सकते हैं आप फाइनली अब नए एरिया में नया स्वागत हो रहा है हमारा। चलिए देखिए दो बंदे हैं यहाँ पर, कोशिश करते हैं इसको स्टन करने की। देखिए हमने उसको देखिए उसको उसने हल्ला कर दिया है, कहीं से ऊपर से तो आ नहीं रहे हैं। चलिए देखिए तीन है यहाँ पर, देखिए आपको तीनों दिख गए होंगे। तो भाई सिंपल सा काम करते हैं अपन, देखो आप लोग क्या करते हैं अपन। देखिए हमने उनका तंदूर बना दिया क्योंकि भाई इतना एमओ वेस्ट करके कोई मतलब था नहीं, और सामने से वार कर सकते नहीं थे क्योंकि उन्होंने हमको देख लिया था। तो सिंपल सी बात है, यही एक हमारे पास ऑप्शन बचा था और ये काफ़ी कारगर हुआ क्योंकि मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ अभी तक, पेट्रोल पम्प का मैं बहुत ही कम यूज़ किया हूँ। वैसे देखें तो मैं इसमें यार देखोगे तो आप लोग ग्रेनेड वगैरह वैसे भी आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सारा मिशन आपको वैसे भी एकदम शांति से और मिले वेपन और मिले अटैक यूज़ करके ही जाना था, तो वैसे भी कोई सेंस ही नहीं बनता
ग्रेनेड और ये सब चीज़ का यूज़ करने का। हाँ आप बॉस स्टेज में यूज़ कर सकते हैं, देखिए चलिए बाद में बात करेंगे उस बारे में, लेकिन एक सामने आपको इन्फेक्टेड दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं भाई वो क्या कर रहा है। देखिए वो तो चलो भाई, तो ये तो ट्रैप था। ओहो हो हो हो, चलिए ये तो और बुरा हुआ हमारे साथ, वो ट्रैप है और ऊपर से चोट भी लग गई। अब ये ट्रैप किसने लगाया है देखा जाए। भाई देखिए चोट भी काफी लगी है। चलिए ये तो, चलिए ये काफ़ी समय से यहाँ पे लटकी हुई है लग रहा है। अब इसको होश आया और ये दो बंदे आ रहे हैं। Abby. तो चलिए भाई अब इनको पहचान गए होंगे ये लोग कौन है। ये लोग वही हैं जिन्होंने एबी और लेव को मारा था और उठा के ले गए थे। अब इसने एली को पकड़ लिया, तो भाई समझ जाओ कि इसका इन लोग का इलाका ही है, सिंपल सी बात है। और ये लोग ट्रैप लगाते हैं मेरे ख्याल से इन्फेक्टेड के लिए। पर इसमें चलिए देखिए वो बच गया। चलिए भाई बच गया। Something funny? Looks like you shit your pants. Fuck you say. Oh, bitch. चलिए एली ने उसका तरीके से इंसल्ट किया है। Get up. अब भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो भाई देखिए इनके ग्रुप के एक आदमी गया, दूसरे को हमने गोली मार दिया। देखते हैं क्या होता है। चलिए इनकी बात सुनते हैं। देखिए वो ये बोल रहा है कि तुमको इन्फेक्टेड ने काटा है, तुमको इन्फेक्शन हो जाएगा। उसको पता नहीं है कि एली इम्यून है, उसको कुछ नहीं होगा। She's in a holding cell in our camp. Where is that? Head that way till you hit the railroad track. That'll lead you to a resort. We keep him in the tall round building. I swear. चलिए भाई सीधा शॉट और भाई ख़त्म। तो देखिए भाई इसने ये बताया है कि इसने एबी को कुछ महीने पहले पकड़ा है और उसके साथ में लैब भी है, और उसको इसने रखा है यहाँ से सीधा एक रिजॉर्ट पड़ेगा, और उसके आगे फिर एक तो बड़ी सी बिल्डिंग है। तो चलिए मेरे ख्याल से देखिए टॉल राउंड बिल्डिंग एबी वही रिपीट करते जा रही है। तो चलो भाई मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही है, आपका देखने के लिए थैंक यू सो मच।